बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टीपू बर्ड में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि ये तोतों का काम जो है वो ख़वातीन भी कर सकती हैं कि नहीं। लेडीज उनके घर में जो हाउस वाइफ है स्पेशली, वो ये तोतों का काम कर सकती हैं कि नहीं। तोतों का काम मतलब ये है कि तोतों का बिजनेस मतलब ये है कि आप अगर उसको शौक से एक पैरट रखता है, यूजुअली फीमेल्स को शौक़ होता है घर में पैरट रखने का। मेरे रिलेटिव्स में भी काफ़ी मुझे ख़वातीन ने कहा कि हमें भी दें बच्चों ने या बड़ों ने, तो उसमें यह है कि ख़वातीन के लिए भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक केयर ले लें इनका तोतों का, किसी भी किस्म का ले लें, सस्ते ले लें या महंगे ले लें, और वहाँ से जितने आपकी इजाज़त देती है वहाँ से आप शुरू कर लें। आप सस्ते पैर लेना चाह रहे हैं तो ये रिंग नेक भी हैं, ये सस्ते मिल जाते हैं। आप रात से शुरू करना चाहें, ये अलेक्जेंड्राइन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो आप अलेक्जेंड्राइन यानी कि रात से भी शुरू कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये ख़वातीन के लिए बहुत आसान काम है क्योंकि ख़वातीन ने सारा दिन घर रहना होता है, स्पेशली हाउस वाइफ ने, तो वो ये काम ईजीली कर सकती हैं। एक जुड़ा आप रख लें, उससे आप जो है ना इंशाल्लाह वो बच्चे देगा, तो नेक्स्ट जो है उसे उन बच्चों को भेज के या उन बच्चों को आप बड़ा करके आप एक और जोड़ा तैयार कर सकते हैं, उसके बाद एक और जोड़ा तैयार कर सकते हैं। तो आप घर की छत पे रख लें, घर के किसी स्टोर रूम में या किसी भी साइड पे, जहाँ पे भी बैक साइड पे लॉन्ड्री अगर आपके घर में, तो आप लॉन्ड्री में रख लें, तो जहाँ पे हवा भी लगे और ओपनिंग हो थोड़ी, उनको हवादार कमरा ज़्यादा सूट करता है, तो उसमें यह है कि आप हवादार कमरे में रख लें इनको। तो बच्चों वाले कमरे से दूर रखें क्योंकि बर्ड्स से यूजुअली बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे बच्चों की जो है न ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या स्पेशली सर्दियों के सीजन में। तो फीमेल्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल्स भी ये घर में काम कर सकती हैं, तो बाहर तो जा नहीं सकती, फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है ये काम कि घर में बैठे बैठे आप छोटी मोटी अर्निंग कर सकती हैं। एक जोड़े से आप कुछ काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। एक जोड़ा आपने लिया है, अगर आप सस्ते बर्ड्स का ले लेते हैं या आपने रिंग नेक का एक जोड़ा ले लिया है तो उसको आप छोड़ दें, एक पिंजरा आप ले लें छोटा सा, इसका 2-3 हज़ार का पिंजरा आ जाएगा, 8-9 हज़ार का ये जोड़ा आ जाता है, 10 हज़ार का भी आ जाता है। अच्छा जोड़ा जो है वो 10 हज़ार का आपको मिल जाएगा। आप 10 हज़ार का इसका जोड़ा ले कर एक पिंजरा ले लें, उसके साथ एक बॉक्स लगा दें, ब्रीडिंग बॉक्स, या बाज़ लोग जो है वो कुजा भी यूज़ कर लेते हैं यानी कि मिट्टी का, तो आप एक बॉक्स ले लें, उसमें जो है आप लगा दें, इंशाल्लाह सर्दियों में ये बच्चे देंगे, अंडे देंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे, आप उनको बेच के तो आप अपना इसको एज ए बिजनेस ले सकते हैं। जो आपने शौक के तौर पे ये काम किया है तो उसको आप बिजनेस के तौर पे चला सकते हैं, उससे ये आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाएगी, एक पैर से दूसरा पैर, दूसरे से तीसरा पैर, इस तरह से बहुत ही ईजी है। ख़वातीन ने घर में क्या करना होता है सारा दिन, तो उसमें यह है कि इनको 10-15 मिनट, आधा घंटा एक जोड़े को आप टाइम दे दें तो ये काफ़ी है। सामने फिरते खाना खुद भी बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, जो वेस्ट है इसका सब्ज़ी फ्रूट वगैरह का तो आप इनको डाल दें, स्पेशली जो है वो रा और रिंग नेक ये ज़रूर खा लेते हैं, तो आप इनको डाल दें, ये बड़े शौक से खाते हैं। तो और जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक जोड़ा घर में रख लें, हालात को देखते हुए आप मर्दों का बोझ कम कर दें, जो अर्निंग या घर के एक्सपेंसेस का बोझ है वो इससे कम हो जाएगा इंशाल्लाह। टीपू बर्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।